करके खुश रहिए ना, आपको 72 वर्जिन लड़कियां मिलेंगी, आप खुश रहिए। हाँ, ये करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर सुन बोल बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, पर वो पीर हर रोज औरतों से औरतों को आशीर्वाद देता है और उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए ये कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। बस कोई रिप्लाई नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि कुरान भी कहता है कि जिस जमीन पर रहते हो उसकी सरहद से बेइंतहा मोहब्बत करो, ये तो कुरान कहता है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान से क्यों ना मोहब्बत करें। देखिए ये एक सदियों से रीति चली आ रही है अंबर, के मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, जानबूझ करके उनको घर में बिठा कर रखा जाता था। आज जितने भी हमारे दोस्त में, अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि जितने भी हमारे एक्वेंटेंस और सोशल में या फ्रेंड्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी यही शिकायत है। आप कह रही थी कि वो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 92 से लेकर के 1992 से लेकर के 2007 तक, वो मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो इसको इसका क्या जवाब होगा इन चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? इनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। चार शादियों के दरगाह को बदनाम कर रहे हैं अजमेर को, नहीं ये तो हुआ था ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे तो नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो इनके जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में है। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या चार शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात क्यों नहीं समझाता, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने काविंद को मिजाज खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंबियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। हमारे कुरान में बीबी मरियम अलैहि सलाम को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत आयशा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हम कौन सी गली में आते, हम किसी गली में फिर इनकी नजर में आते ही नहीं है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए, हमने तो किया नहीं था। ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है, मेरे साथ ही डिबेट में हो चुका है, औरतों पर ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर रखना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे भी है, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा,
और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल झपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा? ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस? आज ही मुझे दो चार मौलानाओं ने मुझे, मैंने 72 हूर के बारे में डिबेट पे मैं बैठी थी, तो मुझे दो चार मौलानाओं ने लिखा है कि कुरान को मुकम्मल किया है हदीस ने। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सऊदी अरबिया में बैठा हुआ क्राउन प्रिंस और कुरान के 30 पारे में जो अल्लाह कह रहा है, मतलब हम वो नहीं माने? रमजान के लैलतुल कद्र में जो 30 पारा नाजिल हुआ है, हम वो नहीं मानेंगे? और ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला लोग जो बोलता है, हमको उसको मानना पड़ेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के एजेंट है, तो अभी बच्चे नहीं है। सोच लो, क्योंकि कुरान गवाह है इस चीज के लिए। इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको दो तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्ला, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहां से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई है। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसलिए तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूं कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ कुछ मौलाना तो यहां तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अंबर, तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे, इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनको वहां भी देखिए, गालिब क्यों चार शादी करते हैं? क्योंकि चार सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरे चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है, इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन है।
आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबी में, सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है, पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का अब रिश्ता नहीं आता है, कि भाई इतना पढ़ ली है पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत, शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो ये इंटर रिलीजन जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है लड़कियां, ये उनको भी पता है कि हम वोकल हो गए हैं, हम बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, हमने दुनिया एक्सप्लोर कर लिया है, हमने सब चीजें जान ली हैं, अब मुसलमान लड़का हमको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको निकाह में नहीं लेगा। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने विडो से शादी किया, करके दिखाए कोई मुसलमान? हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने अनाथ यतीम से शादी किया। मौलाना बोलते हैं कि ऐसी हूर होगी 156 फीट की वर्जिन, जिसको किसी ने देखा नहीं होगा, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, उसकी कलाई नजर आ जाए तो बड़े अंधेरों में आके चकाचौंध हो जाए, ऐसी रोशनी हो जाए। नाजिया, आपने 72 हूरों की बात किया, 72 हूरों पे काफी चर्चा हो रही है, 72 हूरों पे लेके जब भी सवाल निकल के आता है तो सीधे ये आक्रमण किया जाता है कि आप हमारे जो हमारी धार्मिक आस्था है उस पर प्रहार करें। 72 हूरों में कौन सी धार्मिक आस्था? इस्लाम तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप आगे अपनी जिंदगी में अपने जो अमल है उसमें शामिल कर सकते हैं, तो 72 हूरों पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? और जब इसको, इसका काउंटर नैरेटिव या एक पॉजिटिव नैरेटिव लाया जाना चाहिए तो उस पर कहीं पे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। देखिए, ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला घूमते रहते हैं ना, इन्होंने इन 72 हूरों के लालच में आधी मुसलमान तादाद को जिहादी और टेररिस्ट बना दिया है और आधे मुसलमान नौजवानों को इन्होंने ठरकीबाज बना दिया है। ये 72 हूर का लालच दे दे करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर सुन बोल बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके इन्होंने मुसलमान कौम के नौजवानों को बर्बाद किया है। आप सोचिए कि कुरान का पहला वर्ड अंबर इकरा का आया है, तो पर क्या कोई मौलवी मुल्ला कहता है कि इकरा को फॉलो करो? 72 हूर के बारे में तो, और ये वर्जिन खूबसूरत महिलाओं के बारे में, कोठा और चकला के बारे में तो बोला ही नहीं है कुरान ने। मतलब ये अपने हमारे नौजवानों को, मुसलमान कम्युनिटी के नौजवानों को ठरक की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एडुकेशन की तरफ एक बार भी नहीं कहते हैं कि काइंडली आप लोग इकरा फॉलो करें। और वही हो रहा है आज मुस्लिम कम्युनिटी के, शायद 5 लाख मुसलमान लड़के में एक ऐसा होता है जो वकील दिखाई देता है या जो IAS दिखाई देता है, लेकिन अब लड़कियों का आप देखिएगा परसेंटेज एडुकेशन में बढ़ता चला जजा रहा है। हमारी कम्युनिटी में लड़कियां 30 साल की हो रही है, पहले 14 साल 15 साल 16 साल में शादी हो जाया करती थी, उसके बाद अभी देखिए 35 साल 36 साल 40 साल की लड़कियां हो रही हैं पर शादी नहीं हो रही है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये किस बंदर छाप लोगों से हम शादी करें, जिनको ये नहीं पता है कि औरत को तहजीब से और तमीज से इज्जत कैसे दी जाती है। तो ये तो कंफ्यूजन आ गया है ना। अब हमने इतनी किताबें पढ़ ली, हमने दुनिया इतना एक्सप्लोर कर लिया है, हमको पता है कि कुरान का 30, 12, 72 वर्जिन खूबसूरत हूर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो तो उसी चक्कर में लगा हुआ रहेगा कि यहाँ पर तो अभी हमको 2-4 मिलेगी, ऊपर में 72 मिलेगी। मैंने कई बार बोला है कि भैया हम लोग के बारे में भी कुछ हदीस लिखते वक्त कुछ सोच लेना चाहिए कि औरत को क्या मिलेगा। माँ कसम, मैं तो मतलब इतनी बड़ी फैन हूँ ब्रैड पिट की कि मैंने कहा कि तुम लोग 72 रखो, मेरे को सिर्फ एक ब्रैड पिट दे देना। जन्नत में ब्रैड पिट चाहिए नाजिया को। देखिए पार्शियलिटी, एक तो धरती पे मुसलमान लड़कियों के साथ औरतों के साथ पार्शियलिटी हो ही रही है, हमें ही बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया है, हमारा ही चरित्र को रोज उछाला जाता है, हमें ही बच्चलन बोला जाता है, हमें ही रेप की धमकी दी जाती है। हम देखिए, आप भी कानूनी घराने से आ रही है और मैं भी उसी फील्ड में काम करती हूँ,
हम तो कभी केस नहीं लड़े कि फलाना लड़की ने एक मर्द को बहुत हैंडसम और बॉक्सर में देखा और उसका बलात्कार हो गया उस मर्द का, ये तो हमने नहीं सुना। या एक बॉक्सर में एकदम बहुत हैंडसम लड़का जा रहा था, पांच लड़की ने मिलकर के उसका मोलेस्टेशन कर दिया, ये भी हमने नहीं सुना। हम तो रोज कोर्ट रूम में रहते हैं ना, हमारी तो आंख खुलती है कोर्ट रूम से, तो हमने तो नहीं सुना। लेकिन एक पांच महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ, एक छह महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ, एक 42 साल की एजेड औरत का बलात्कार हुआ, पश्चिम बंगाल में 72 साल की एक एज मतलब नन का बलात्कार हुआ। तो हम तो ये सुनते हैं कि दादी नानी की उम्र की भी औरत का बलात्कार होता है और गोद की बच्ची का भी बलात्कार होता है। तो सारी पार्शियलिटी अगर हमको धरती पे मिल रही है और जन्नत पे फिर आपको वर्जन 72 हूर भी मिल रही है खूबसूरत, तो भैया हमें तो ब्रैड पिट दे दो, अंबर आप टॉम क्रूज रखो और मुझे ब्रैड पिट के लिए आप सिफारिश लगाओ। आपको जब ब्रैड पिट मिल जाए तो मुझे बता देना आपको मिलेगा ना कि आप हूरों की सरदारनी बनेंगे, ये शर्फ। देखिए अमर, मुझे कोई शौक नहीं है, इज्जतदार फैमिली से मैं हूँ और हम तमाम पढ़ी लिखी औरतों को कोई शौक नहीं है कोठा का अम्मा बनने का और खाला बनने का। ये जो हम सरदारनी बन करके अपने शौहर को हम वर्जिन खूबसूरत लड़कियां भेजेंगे, तो ये तो प्रोस्टिट्यूट एरिया में अम्मा और खाला का काम होता है, चकला के अंदर तो यही होता है भाई। तो एक तो मरते मरते तक मुस्लिम कम्युनिटी हमको इज्जत नहीं दे रहा है, हमको आरएसएस की दलाल और रकेल बोलता है, अब मरने के बाद तो और भी गंदा हो जाएगा कि हम अपने शौहर की ही दलाल बन जाएंगे, उसको वर्जिन हूरे पहुंचाएंगे बिस्तर गर्म करने के लिए। तो इसलिए पार्शियलिटी यहीं पर खत्म होगी जब इनको वर्जिन 72 हूरे मिलेंगी और मुझे ब्रैड पिट मिलेगा। जब हूरों की बात होती है तो गुलमा का भी जिक्र होता है, गुलमा मतलब कम उम्र के खूबसूरत जवान लड़के। तो जब जवान गुलमा की बात आती है तो अगर ये सवाल किया जाए कि अगर हूरे मर्दों के लिए हैं, गुलमा क्या औरतों के लिए होंगे, तो इस पे भी कोई जवाब नहीं मिलता, नहीं मिलेगा ना। एक तो देखिए मुस्लिम लड़कियां बैलेंस्ड होती है, चाहे वो एडुकेटेड हों या ना हो। आज परसेंटेज निकालिएगा आप तो हिंदू लड़के जो है वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, पर करोड़ों की भीड़ में एक आकी हिंदू लड़की होती है, मुस्लिम लड़की होती है जो हिंदू लड़के से शादी करती है, परसेंटेज बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो बहुत बैलेंस्ड होती है, एक तो उनको बचपन से ही बहुत ज्यादा उनको बंदिशों में रखा जाता है, बहुत ज्यादा उनको कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स बना बना करके रखा जाता है, और पहले वो अपने घर पे भाइयों की नौकरानी होती है, उसके बाद फिर उसको कैसे ना कैसे करके, ये मैं नॉर्मल एक बात बता रही हूँ, जो बहुत हाई क्वालिफाइड जो फैमिली है मैं उसकी बात बता रही हूँ, उसके बाद फिर शौहर, फिर सास, फिर ससुर, फिर देवर, तो ऐसे ऐसे करके उसके तकदीर में ही लिखा जाता है कि तू नौकरानी पैदा हुई है। तो लड़कियों को एक्चुअली में छोटे लड़कों की या छोटे लोगों की जरूरत ही नहीं है, हम धरती पर भी बहुत बैलेंस्ड है। अगर गुलमा मर्दों को ही मिलेंगे तो फिर जो होमोसेक्सुअलिटी है उस कॉन्सेप्ट को तो इस्लाम खारिज करता है। हाँ बिल्कुल खारिज करता है, तो फिर गुलमा किसके लिए बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सवाल है, ये कुछ भी बोल सकते हैं अंबर, कुछ भी, एनीथिंग। और अगर आप इनसे सही जवाब मांगिएगा, जो आप पहले भी बोल रही है, आप इनसे सही जवाब मांगिएगा तो ये आपको डिफेम कर, इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ, मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ, आप भी पूछिए कि भाई साहब ये 72 हूर के बारे में कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है। देखिए आपको चिल्ला चिल्ली गाली गलौज दौड़ भाग कूद फान सब करेंगे, लेकिन वो आयत नहीं बताएंगे, वो आयत नहीं बताएंगे। अच्छा नाजिया आपकी बात कर रही, जब जो ये इंसिडेंट 118 के रिकॉर्डिंग में डिबेट में, तो जब 72 हूरों को लेकर सवाल किया जा रहा था तो एक भाई साहब थे मुमताज आलम रिज़वी, तो उन्होंने क्या मतलब एक मौकी बैलेंसिंग जो उन्होंने करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हिंदुओं में जब होली होती है तो औरतें मर्दों के ऊपर चढ़ चढ़ के रंग लगाती हैं, ये भी तो बेहूदगी है, ये क्यों होती है। तो मैंने भी एतराज किया और सबूही ने भी एतराज किया, तो वो कहते हैं कि तुमको क्यों बुरा लग रहा है, तुम लोगों को, तुम लोग बड़ी पारसा हो, जैसे क्यों आपको पूछना चाहिए था ना अंबर कि क्यों, कहीं देखा है क्या?
मैं ये बोल रही हूँ कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जो आपकी बात के साथ अग्री ना करे वो हूर, प्रोस्टिट्यूट, और उसका करेक्टर असैसिनेशन अलग अलग लेबल से आप उनको नवाज दीजिए। देखिए अंबर, मैं एक कोई भी मॉडरेट कोई चीज ना, तो जब हिजाब बुरके की बात हो तो या तो बिकनी की इसके समर्थन में उतर आते हैं या फिर बुरके हिजाब की, कहीं पे भी मॉडरेशन नजर नहीं आता, क्यों भाई? नहीं, इसको मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ। एवरी पर्सन हैव देयर ओन परसेप्शन। ये जमाने से चला आ रहा है कि जब भी बहुत उठती हुई कोई मुसलमान औरत होती है तो जब भी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है तो वो दब जाती है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अगर वो उस औरत के लिए थोड़ा सा इमोशनल और एक ऐसा पॉइंट होता है कि कैरेक्टर को लेकर वीक हो जाती है। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा आ गया है और इस हिंदुस्तान की धरती पर अलग अलग स्टेट में कुछ कुछ ऐसी मतलब क्या मैं बोलूंगी, बहुत ब्रेव और ब्रावो टाइप की और बवार्डो टाइप की औरतें आई हैं, जो आप बिकिनी बोलो, आप जो बोलो। अगर मुझे पर्सनली अंबर, बहुत मैं भी बहुत अटैक सहती हूँ, बहुत गंदी गंदी बातें मैं सुनती हूँ, तो मुझे जब भी ये बिकिनी और नाच और गाने के बारे में कहा जाता है तो भाई बॉडी मेरी है ना, ये मेरा जिस्म है ना, मैं बिकिनी पहनू, मैं बुर्का पहनू, मैं हिजाब पहनू, मैं जो भी पहनू, इससे आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपकी दाढ़ियों से भी बहुत मुझे नफरत होती है, शेव कर लीजिए। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दाढ़ी टोपी, कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा जो लुंगी के अंदर चट्टी नहीं पहनता है और खड़ा होता है। आप ऐसे ऐसे कितने पीर के पास जाइएगा, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे कोई डर नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ है जिसके पीरजादा वहां पर बहुत सारे एक चाइनीज मौलाना टाइप करके है, वो व्हाइट लुंगी हाँ पूरा चाइनीज मौलाना टाइप से है, व्हाइट लुंगी और व्हाइट कलर का एक आधा कुर्ता पहनता है, बस मतलब नजरें झुक जाती हैं जब वो धूप में खड़ा होता है तो। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे, पहली बात कि कुरान ने पीर के बारे में कहा नहीं है, दूसरी बात कि कुरान ने मजार परस्ती के बारे में कहा नहीं है, चौथी बात कि कोई भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए ये कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। अभी ये 72 हूर को ही लेकर के एक मैंने पाकिस्तानी चैनल से डिबेट किया है, उसके कमेंट में लड़के ने लिखा है, अरे आप तो कैन लेकर के डांस करती हैं, आपको कॉफी कैसे पसंद आएगी? भाई तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको कॉफी की जरूरत नहीं होती है? सही से अगर जाएगा तो अल्कोहल के बाद तो कॉफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया है ना कि हम झूठे एलिगेशंस रखेंगे तो लड़कियां जो है ना वो इमोशनली ब्रेकडाउन होंगी और वो अपने कदम को पीछे कर लेंगी और फिर से वो मर्दों का राज आ जाएगा। अंबर यही चीज को हमको तोड़ना है, हमको इसी चीज को खत्म करना है कि तुम मुझे जितना भी नंगा कर सकते हो तुम करो, हम अपनी जुबान को खामोश नहीं करेंगे। और जिस दिन ये इन लोगों को समझ में आ गया ना कि अब ये जो मुसलमान लड़कियां हैं ये सर पे कफन बांध कर निकली हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे छटते चले जाएंगे। कितने दिन गाली दे पाएंगे, कितने दिन हमको डिफेम कर पाएंगे, कितने दिन हमको मलाइन करेंगे, कितने दिन हमको प्रोस्टिट्यूट आवारा और आरएसएस की दलाल कहेंगे? एक वक्त तो आएगा ना जब कहेंगे कि भाई हम हार गए। तो अभी तो शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि 2014 से हमारे मुंह में जुबान आई है, 2014 से हम आजादी का अमृत महोत्सव सच में मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, ना ही उनको सोचता था कि इनके भी अधिकार है, सिर्फ एक हेडकाउंट वोट बैंक ही एक महिलाओं को समझा जाता था। और अब मुस्लिम महिलाएं बात करती हैं, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करती हैं और अब ओपिनियटेड भी हैं, और ये